बच्चे हैं ना, और अपना काम खूब अच्छे तरह से आप लोग कर रहे हैं। क्लास थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे हमारे साथ काम करेंगे पेज नंबर 24 पर, और टॉपिक क्या है हमारा बेटा, इन द नेबरहुड। तो प्यारे बच्चों अपनी बुक खोलिए और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने काम को। तो बेटा ये है हमारा पेज, द टॉपिक इज नेबरहुड, पेज नंबर 24। बच्चों यहां पर जिस पेज पर हम काम करने जा रहे हैं, इन द नेबरहुड, कलर द पिक्चर देन पेस्ट डिफरेंट कलर्ड पल्सेस एंड ब्रूम स्टिक ऑन द पिक्चर एज शोन। तो यहां पर जो काम हम कर रहे हैं वो कलर से केवल करेंगे, आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें तो हम लोग हमेशा की तरह से आउटलाइन करेंगे ब्लैक स्केच पेन से, और साथ साथ मैं कलर बता रही हूँ, आप कलर नोट करिए मेरे साथ साथ। इस बिल्डिंग में यहाँ पर येलो कलर, और इसके विंडोज़ में स्काई ब्लू, यहाँ पर भी स्काई ब्लू लगाएंगे हम लोग, इस जगह पर येलो कलर और थोड़ा सा ब्राउन का भी टच देंगे ऊपर की साइड, और ये बीच में। उसके बाद यहाँ पर डोर में थोड़ा सा पर्पल कलर का टच लगाएंगे, इस जगह पर भी पर्पल लेंगे हम, और स्टार्ट करते हैं हम अपने इस काम को। बच्चों मेरे साथ साथ आप कलर लगाना स्टार्ट करिए, पहले तो हम ब्लैक स्केच कर लेते हैं। चलिए ब्लैक स्केच करेंगे, स्टार्ट करते हैं ब्लैक स्केच पेन, और यहाँ पर थोड़ा सा स्केल की हेल्प लेंगे। तो बच्चों स्केच पेन तो हम लोगों ने कर ही लिया था पहले, है ना। अब इसके बाद जो कलर्स मैंने आपको बताए थे उसी के अकॉर्डिंग आप मेरे साथ साथ कलर करते रहिए, और अगर कलर करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हाथों के मूवमेंट पर पूरा ध्यान बना करके रखिए कि किस जगह पर हमें कौन सा कलर मूवमेंट के अकॉर्डिंग करना होता है। करते रहिए बराबर, कलर स्कीम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं बच्चों। अगर किसी जगह पर आपका कलर छूट जाता है तो आप उसे डबल कोट जरूर करेंगे, इससे कलर की क्वालिटी और भी अच्छी हो जाती है। सेम इसी तरह से बिल्डिंग के इस साइड भी हम लोग कलर करेंगे येलो कलर, यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर लगाते हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा, और इसी तरीके से इस पूरे पार्ट में यहाँ पर हम लोग रेड कलर लगा लेंगे। तो बच्चों इस कंपोजिशन में हमारा काफ़ी सारा कलर हो गया, और बहुत अच्छा लग रहा है इसको बना करके, इतना ही सुंदर आप भी बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए ये रोड है, तो बहुत ही सॉफ्ट हैंड का यूज़ करेंगे, ब्लैक है ना, ब्लैक को ज़्यादा आप डार्क नहीं चला सकते हैं। अगर कहीं पर आपकी कलरिंग रह जाती है तो आप उसको सेकंड कोट से
कंप्लीट कर देंगे। कहीं अगर आप थोड़ी सी शेडिंग देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ये देखिए लाइट के साथ डार्क का यूज और बहुत ही हल्का देंगे टच। तो बच्चे आपके पिक्स का हमें बहुत इंतजार रहेगा। आप अपना सुंदर सुंदर काम हमें बना करके भेजिए। तब तक के लिए प्यारे बच्चों टाटा बाय, फिर मिलेंगे हम लोग।